नाज़रीन, भारत ने हॉकी फाइव साइड एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। ओमान के शहर सलालाह में जारी फाइव साइड एशिया कप का फाइनल रवायती हरी पाकिस्तान और भारत के मापेन खेला गया, जो दिलचस्प सनसनी खेज रहा। पाकिस्तान फाइनल के इख्तिताम से तीन मिनट का बल तक एक गोल से जीत रहा था, लेकिन भारत ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला 4-4 गोल से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की जानब से राना वहीद, अशरफ, अरशद लियाकत, जक्रिया हयात और अब्दुलरहमान ने मुकर्रर वक्त में गोल स्कोर किए। फाइनल को फैसला कुन बनाने के लिए दोनों टीमों को पेनल्टी शूट आउट दिए गए। पहले पेनल्टी शूट आउट पर अरशद लियाकत मुखालिफ गोलकीपर के फाउल पर पेनल्टी स्ट्रोक हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन पाकिस्तान के मुर्तजा याकूब ने गोल स्कोर करने में नाकाम रहे। दूसरा और आखिरी पेनल्टी शूट आउट पाकिस्तान की जानब से मुर्तजा याकूब ने लगाया, जो मुखालिफ गोलकीपर को शील्डिंग करने के बदौलत फाउल करार दिया गया। भारत की जानब से पेनल्टी शूट आउट मरहले में गर्जोत सिंह और मनंदर सिंह ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम सिल्वर मेडल के हकदार ठहरी। पाकिस्तान के कप्तान राना अब्दुल वहीद, अशरफ, 27 गोल स्कोर करके इवेंट के टॉप स्कोरर, जबकि पाकिस्तान के गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक खान को बेहतरीन गोलकीपर का भी अवार्ड दिया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।